नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। देखिए आज की बड़ी खबर। आईएस छवि रंजन ईडी के हिनू क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए हैं। उन्हें ईडी ने आर्मी जमीन घोटाला मामले में समन भेजकर हाजिर होने को कहा था। अब उनके ईडी के अधिकारी जमीन घोटाला से संबंधित सवाल जवाब करेगी। इस मामले में हिरासत में लिए गए 7 अन्य आरोपियों से भी ईडी ने पूछताछ किया है। आज रिमांड अवधि पूरा होने के बाद एक बार फिर से ईडी ने ईडी की विशेष अदालत में उन 7 आरोपियों को पेश किया है। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि ईडी इन 7 आरोपियों को फिर से रिमांड की अदालत से गुहार लगाती है या अदालत उन्हें न्यायिक हिरासत भेज देगी, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। वहीं ईडी सूत्रों की माने तो आईएस छवि रंजन ने उन सभी 7 अन्य आरोपियों के साथ ही पूछताछ करेगी। छवि रंजन ईडी की ओर से भेजे गए 2 समन के बाद आज हाजिर हुए हैं। ईडी ने छवि रंजन को 21 अप्रैल को ही हाजिर होने को कहा था, पर वो हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने पितृत्व अवकाश की वजह से रांची से बाहर होना बताया था। सूत्रों की माने तो ईडी की नोटिस से पहले वो सरकार से पितृत्व अवकाश का आवेदन किया था। सरकार ने उन्हें पहले ही 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक पितृत्व अवकाश की छुट्टी मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने आवेदन देकर मई के पहले हफ्ते के बाद का वक्त देने का निवेदन किया था। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। दरअसल रांची में आर्मी की जमीन को गलत कागजात प्रोड्यूस कर बेचने के मामले में रांची डीसी रहे छवि रंजन का भी नाम शामिल है। ईडी ने 13 अप्रैल को इसी आर्मी जमीन घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन, अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापा मारा गया था। छापेमारी के दायरे में झारखंड के 18, बिहार के 1 और पश्चिम बंगाल के 2 ठिकाने शामिल हैं। इससे पहले ईडी ने उन्हें 17 अप्रैल को समन जारी कर 21 अप्रैल को ईडी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने को कहा था, पर वो नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से 2 हफ्ते का समय मांगा। इस पर ईडी ने उसी दिन दोबारा समन जारी कर शाम 4 बजे तक ऑफिस आने को कहा था। इसके बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचने पर ईडी ने तीसरा समन जारी किया और 24 अप्रैल को दफ्तर पहुंचने को कहा। छवि रंजन से पहले इसी लैंडस्केप मामले में ईडी 7 लोगों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है, जिन्हें आज ईडी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पेशी से पहले ईडी कार्यालय में इन 7 आरोपियों का सदर अस्पताल से आए डॉक्टरों ने इनके स्वास्थ्य का चेकअप किया है। चेकअप के दौरान सभी आरोपी स्वस्थ पाए गए हैं। वहीं ईडी जिन लोगों से पूछताछ कर रही है उनमें प्रदीप बागची, बड़काई अंचल के सीआई भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, फयाज खान और सद्दाम हुसैन का नाम शामिल है। का रिपोर्ट मिला सबका बात में सात जो अंडर कस्टडी है सभी का जांच हुआ। सभी का जांच, टेम्परेचर जांच किया गया, पल्स जांच किया गया, बीपी जांच कर किया गया, शुगर लेवल जांच किया गया और कोविड का भी मैंने जांच किया। सभी का रिपोर्ट नॉर्मल है, सभी का रिपोर्ट नॉर्मल है। और जैसे कि नाम आप जानना चाहते हैं, कुछ आप लोग को सब मालूम है, 7 लोग का बहुत पहले से मैंने, भानु प्रताप सिंह हो गया, मोहम्मद इम्तियाज हो गया, तला खान हो गया और छवि रंजन जी का जांच नहीं हुआ है अभी। और नाम छवि रंजन जी की भी जांच हुई? नहीं, अभी तुरंत आए हैं, पूछताछ होगी उसके बाद बुलाया जाएगा। तीनों को का नाम बताएं और नाम बताइए ना, 7 को का बताएं, 7 को का नहीं बताएं। अफसर खान का हुआ, हां तलहा खान का हुआ, रिपीट हो गया, इम्तियाज अहमद, हां फैयाज खान, यही लोग टेंशन में थे क्या? जो नहीं, यहाँ पर तो बहुत अच्छी तरह से व्यवहार सबका अच्छा होता है। ईडी का इन्वेस्टिगेशन जो है सो बहुत अच्छा तरह से, कोई टॉर्चर वगैरह नहीं होता है, समान रूप से जांच किया जाता है और असलियत इन लोग जड़ से निकाल लेते हैं। एक कहावत मैंने सुना तो हम इन लोग जो है सो तह तक जाते हैं और जो मेन आदमी है उसके बाद
कतारी को पकड़ते हैं, गुड़ को तो जान रहे हैं, साथ में बाद में आता है, गुड़ से ही कतारी निकाल लेते हैं लोग। डॉक्टर आर के जायसवाल जी का अब नाम हम लोग जान रहे हैं, पहले जानते ही नहीं थे। भारत सरकार को चाहे पब्लिक को ये चाहिए कि CBI को भी कोर्ट से ही परमिशन ना लेना पड़े, ना स्टेट से परमिशन ना लेना पड़े, चाहे ताकि जो करप्शन हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है और जो पब्लिक का लूटा जा रहा है, वो आसानी से वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सके। इस चीज़ को मैसेज दीजिए कि उन लोग को भी परमिशन लेने की आवश्यकता ना पड़े, डायरेक्ट करे काम जनहित में। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।